सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति की बैठक शनिवार को नगर के एक निजी गार्डन में इंदौर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हितिका वासल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें देश के प्रसिद्ध दशहरा विजयादशमी को लेकर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक से पहले अधिकारियों द्वारा आयोजन स्थल माँ अमन चमन की पहाड़ी का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष सबसे पहले 3 चरणों में घुड़दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें घोड़े खड़ी पहाड़ी पर दौड़ेंगे। उसके बाद 500 मीटर दूरी रखी मटकी पर बंदूक से निशान लगाया जाएगा। फिर BSF एवं हॉर्स राइडिंग क्लब द्वारा घोड़े की जंपिंग का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें घोड़े आग के गोले में से निकलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में भव्य गगन चुंबी आतिशबाजी होगी और अंत में दम्भी रावण का वध किया जाएगा। प्रशासन ने इस बार बंदूकधारियों के लिए यह निर्णय लिया है कि जिस व्यक्ति के नाम से बंदूक का लाइसेंस होगा, वही व्यक्ति निशानेबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेगा। सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के धर्मवीर सिंह चौहान बब्बी दरबार ने बताया कि 321 वर्षों से बैठमा का भव्य गौरवशाली बैठमा का दशहरा पर्व होता आ रहा है, जिसमें बैठमा ही नहीं आसपास के हजारों की संख्या में ग्रामीण शामिल होते हैं। यह पर्व नगर का सबसे बड़ा पर्व होता है, जो यहाँ की सांस्कृतिक पुरातन कालीन विरासत में शुमार हो चुका है, जिसे देखने के लिए बैठमा ही नहीं प्रदेश भर के हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम देखने के लिए बैठमा आते हैं। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। तो ये पहले से आपको बता रहे हैं, दूसरा इस बार हम ये डिसाइड कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट बिंदु ये था कि जैसा मैंने निर्देश किया है कि सभी लोग 8 तारीख तक जिसको भी फायरिंग करना है, निशाना लगाना चाहता है, वो थाना प्रभारी बैठमा के पास में अपना आवेदन अपने लाइसेंस की कॉपी के साथ में जमा करा दे। इसमें हम सभी को ये बात समझना पड़ेगी कि पुलिस को भी वेपन चेक करना रहता है, वेपन फायरिंग करने की स्टेज में है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है, तो ये सब में समय लगता है। तो मंगलवार के बाद में हम किसी भी एप्लीकेशन को एंटरटेन नहीं करेंगे। वो प्रसिद्ध रहे, हमेशा अच्छा हो और अच्छे से हो पाए पूरा कार्यक्रम, इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज ये बैठक का आयोजन किया था। और मुझे खुशी भी हुई कि जो भी दोनों के पॉइंट थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से, आपने हमारे पॉइंट को समझा, हमने आपके पॉइंट को समझा, और इसी के तहत आगे जो हम लोग की आज डिस्कशन हुई है, उसी के तहत आगे का जो कार्यक्रम होना है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। और वो अच्छे से तभी होगा जब हम लोग एक बनकर उस कार्यक्रम को करवाएंगे, मतलब कि अपने को डिफरेंस नहीं रखना है कि ये प्रशासन अलग है, PWD डिपार्टमेंट अलग है, नगर परिषद अलग है और दशहरा कमेटी अलग है। हम लोग एक है, हम सबको लक्ष्य जो है वो एक है। लक्ष्य है कि दशहरा का जो हमारा उस दिन त्यौहार है वो अच्छे से मनाए, सब जगह एक अच्छा वातावरण रहे और बहुत खुशहाली से इस चीज को पूरा मनाया जाए। तो ये अनुरोध है। दूसरा, नगर पंचायत से अनुरोध है कि नगर पंचायत के अधिकारीगण जो है साफ सफाई की, पर्याप्त रोशनी की, पीने के पानी की, और एक मेन जगह जो है जहाँ पर आपका रोड है, हाईवे है, जहाँ से लोग क्रॉस होते हैं, लोग आते तो कम संख्या में हैं, लेकिन जब दशहरा देखने के बाद निकलते हैं तो काफ़ी संख्या में निकलते हैं और वो चलता हाईवे रहता है, तो उससे वहाँ दोनों तरफ में पर्याप्त लाइट की व्यवस्था हो, जिससे रात्रि की रात का समय हो जाता है। वहाँ लाइट अभी फिलहाल लगी नहीं, लेकिन नगर परिषद लगा रहा है और भी जगह है, लेकिन वहाँ जो है पर्याप्त रूप से अच्छी रोशनी हो वहाँ, तो जिससे लोग जब क्रॉस हो तो वहाँ कोई घटना दुर्घटना की संभावना शून्य हो जाए। बिंदु है, बस एक तो जो मैं आपको कहना चाहूँगा, एक तो जो फायरिंग का जो आयोजन यहाँ बना है उसमें नीचे की ओर आपके पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है, जिसका कंट्रोल ऊपर रहेगा जहाँ पर की फायरअप खड़े होंगे, मतलब आपके जहाँ पर फायरिंग करने वाले लाइनअप होंगे, माइक उसके पास वहाँ पर रहेगा एक अधिकारी के पास में, कि अगर कहीं कोई दूर नीचे व्यक्ति दिख जाता है, रास्ता तो अपनी रहेगी, टारगेटिंग भी रहेगी, पॉइंटर्स भी आप लोग लगाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई बीच में आ जाता है, जैसे लास्ट ईयर आप बता रहे हैं, लास्ट ईयर की एक हो गया था, तो आप उसी समय पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उसको डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकते हैं कि भैया तू उधर मत दौड़, इधर आ जाए, कार्य चल रही है। तो ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम आपका फायरिंग की जगह पर बहुत प्रभावी रूप से लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसका कंट्रोल या माइक जो है वहाँ पर फायरिंग करने वाले लोग हैं वहाँ पर है।
फायरिंग के संबंध में बहुत सारी हमारी चर्चा हुई है। बेटवा में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी जो कि दशहरे के उपलक्ष्य के संबंध में रखी गई थी। चूँकि अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इसका समापन दशहरे के साथ में होगा। नगर परिषद के द्वारा जो पारंपरिक रूप से यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है बेटमा की, 300 प्लस वर्ष हो चुके हैं इस दशहरे को सेलिब्रेट करते हुए। बेटमा नगर परिषद की पूरी अपने प्रयासों के साथ में इस धरोहर को बनाए रखेगी। बेटमा नगर परिषद के द्वारा रावण दहन, उसके अलावा साफ सफाई, जल प्रदाय, इमरजेंसी किसी भी परिस्थिति के लिए फायर वाहन की समस्त जो सुविधाएं हैं वो वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि इस धरोहर को हम और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाएँ। आज बेटमा में 12 तारीख को जो दशहरा आयोजन होता है वो बड़े वृहद स्तर पर होता है, उसके संबंध में SP मैडम की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया था। इसमें दशहरा आयोजन समिति और सभी स्टेक होल्डर्स उपस्थित थे। तो बेसिकली 4-5 प्रकार की गतिविधियों वो लोग करते हैं दशहरा आयोजन समिति के द्वारा अमन चमन टेकरी पर। उसमें ये तय किया गया है कि सबसे पहले ये लोग अपना घुड़सवारी, घुड़दौड़ का एक छोटा आयोजन होता है उसको करेंगे। उसके साथ ही जो लाइसेंस आम होल्डर हैं वही लोग फायरिंग करेंगे, और वही लोग सबसे पहले 8 तारीख तक थाना प्रभारी बेटमा के समक्ष अप्लीकेशन फाइल करेंगे, और अगर वो व्यक्ति दक्ष है उसके परीक्षण के आधार पर ही उस व्यक्ति को फायरिंग करने की अनुमति दी जाएगी। उसके बाद ही आतिशबाजी और जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। तो इसी के संबंध में विशेष पूरा विस्तृत चर्चा की गई है और आम सहमति इसमें बन गई है कि इस प्रकार के स्टेप्स को करना है। और ये इसमें जो एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आया है कि ये सभी गतिविधियां हमको सनलाइट के दौरान ही करना है, मतलब सूर्यास्त के उपरांत हम कोई फायरिंग अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात सभी स्टेक होल्डर्स को बताया गया और सब सहमत थे इस चीज़ पर। एक मीटिंग आयोजित की गई और उस मीटिंग में के पहले हमने दशहरा मैदान पर प्रशासन के साथ जाकर उसका भौतिक सत्यापन भी किया कि किधर से घोड़े घोड़े दौड़ेंगे, कहाँ से कितनी घुड़दौड़ होगी वो भी हमने बताया। 3 चरणों में घुड़दौड़ होगी, साथ में निशानेबाजी प्रतियोगिता होगी, और उसके अलावा जो भी दशहरे के आयोजन होते हैं, आतिशबाजी प्रतियोगिता, रावण दहन, वो सभी आयोजन 12 तारीख के दिन शनिवार के दिन दशहरा मनाया जाएगा। और उसी के साथ बेटमा नगर की जनता और सभी व्यापारियों के साथ में भी आज सभी लोग मीटिंग में उपस्थित थे और सभी जनता के द्वारा इसको दशहरे का मनाया जाएगा। उसके अंदर आज बेटमा में एक जो मीटिंग थी वो दशहरा को लेकर एक आज मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन और PWD सभी लोग यहाँ पे उपस्थित थे, और दशहरा कमेटी के जो मेंबर्स थे वो भी उपस्थित थे। फिलहाल सब डिस्कशंस की गई हैं और अच्छे से अपना त्यौहार हो जाए इसके बारे में सारी डिस्कशंस करके पुलिस प्रशासन सब लोग सतर्क हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा त्यौहार है वो अच्छे से मनाया जाए और खुशहाली से मनाया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।